कैसे रोशन हो दीपावली अगर बाल मजदूरी खत्म नहीं होती। इस साल शांति का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले कैलाश सत्यार्थी का यही सवाल है। फिर भी कैलाश सत्यार्थी की दीपावली कुछ अलग अंदाज में मनी। दीपावली के दिन कैलाश सत्यार्थी जयपुर के बाल आश्रम में उन बच्चों के साथ थे जो कभी बाल मजदूरी का शिकार हुआ करते थे, जिन्हें बमुश्किल छुड़ाया गया और नई जिंदगी देने के लिए बाल आश्रम में रखा गया। दीपावली पर कैलाश सत्यार्थी ने एक बार फिर बाल मजदूरी और बच्चों पर होने वाले जुल्मों को खत्म करने की गुहार लगाई। इन बच्चों के साथ मैं रहता हूँ और ये बच्चे और ऐसे करोड़ों करोड़ों बच्चे ही मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे बच्चे हैं, ये मैं हमेशा से मानता रहा हूं। मुझे लगता है कि अगर एक बच्चे के चेहरे पर आजादी की, शिक्षा की, सुरक्षा और शांति की मुस्कान ले आई जाए तो वो एक हजार, एक लाख, एक करोड़ दीप जलाने जैसी है।